तला हुआ बाहर का या पैकेट वाला खाना खाने के कारण हमारे पेट खराब रहने लगता है, जिसके कारण हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने के कारण हमें पाइल्स की प्रॉब्लम होने लगती है। इसी पाइल्स की प्रॉब्लम को देखते हुए आज हम ओसिल कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। ओसिल कैप्सूल क्या है, इसके कंटेंट, यूजेस, डोज एवं इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। ओसिल कैप्सूल पाइल्स में यूज किया जाने वाला एक रिजल्टेड प्रोडक्ट है, जिसे हम हीमोरॉयड, बवासीर या आसरोग भी बोलते हैं। ये एक आंतों में कैल्शियम के अवशोषण एवं किडनियों के प्रतिधारण को बढ़ावा देता है, जिससे सीरम कैल्शियम के स्तर में वृद्धि होती है। ये रीनल ट्यूबर फास्फेट अवशोषण में भी वृद्धि करता है। ये मेरे हाथ में ओसिल कैप्सूल है, ये ओसिल कैप्सूल का ब्रांड दिया गया है, ये बताया गया इसमें क्या क्या मॉलिक्यूल्स हैं। चलिए इसकी कंपनी की बात करें तो ये ओजोन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। चलिए इसके कंटेंट के बारे में और बात कर लेते हैं। कंटेंट की बात करें तो इसमें होता है कैल्शियम ऑक्सैलेट मोनोहाइड्रेट। चलिए इसकी एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग एवं MRP की बात कर लेते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जुलाई 2018 है एवं एक्सपायरी जून 2021 है। चलिए इसकी MRP की बात करें तो ये 148.50 रुपये के 10 कैप्सूल, मतलब 15 रुपये के समथिंग ये एक कैप्सूल पड़ता है। चलिए इसकी पैकिंग की बात करें तो ये ब्लस्टर पैकिंग में आता है। इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है और ये इसके जो कैप्सूल का कलर है वो वाइट कलर का है। ये एक साइड ओजोन लिखा हुआ है इसमें और एक साइड ओसिल कैप्सूल लिखा हुआ है। तो इस तरह से इसकी पैकिंग है। इसकी रिजल्ट की बात करें तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। इसका यूज़ आप पाइल्स और वेरिकोज बैंड्स के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए इस कैप्सूल के यूजेस के बारे में बात करें तो आपको पाइल से संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप इसमें इसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब जैसे बवासीर, आसरोग या फिर हीमोरॉयड भी बोलते हैं उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको बेरिकोज बैंस की प्रॉब्लम है, मतलब नसें जिनकी सुकड़ जाती है या फिर नसों का रंग नीला पड़ जाता है, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरह से इन प्रॉब्लमों के लिए आप कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। चलिए इस कैप्सूल के डोजेस के बारे में और बात कर लेते हैं। इस कैप्सूल का BD डोज होता है, मतलब इस कैप्सूल को सुबह शाम खाना खाने के बाद एक सादा पानी से यूज करना है। तो आप इस तरह से इस कैप्सूल को यूज कर सकते हैं। चलिए इस कैप्सूल के साइड इफेक्ट के बारे में और बात कर लेते हैं। आपको नोजिया, वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, सर में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कब्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पेट में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, घबराहट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको चक्कर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह के नॉर्मल साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको बवासीर से संबंधित किसी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब पाइल से संबंधित किसी तरह की प्रॉब्लम है या फिर आपको बेरिकोज बैंस की प्रॉब्लम है तो आप इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यूज करने से पहले आप अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें, क्योंकि बिना डॉक्टर की एडवाइस से किसी भी तरह की मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।